नमस्कार दोस्तों, जे क्लासेस परिवार में मैं अंकित भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट के एनालिसिस के रिगार्डिंग यूपीबीटी दैट इज उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग इंजीनियरिंग ब्रांचेस में पॉलिटेक्निक के, तो चाहे वो मैकेनिकल है, चाहे वो सिविल है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, जितनी भी पॉलिटेक्निक की स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं, वहां पर एक कॉमन सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। देखिए बच्चे, जो भी सब्जेक्ट आप कभी भी एनालिसिस करते हैं, कभी भी उसको स्टडी करते हैं, तो उसके लिए हमें एक अपनी बेसिक स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं। जैसे कि उस सब्जेक्ट का हमें कौन कौन से टॉपिक पे स्टडी करना है, कौन कौन से चैप्टर उस सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, उनका कितना वेटेज होता है। तो बेसिकली अगर मैं इनके रिगार्डिंग बात करूं तो किसी भी सब्जेक्ट को एनालाइज करने के लिए तीन बेसिक फीचर्स हैं। पहला, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड, उसका सिलेबस क्या है। और थर्ड, उसका बोर्ड पैटर्न क्या है। तो देखिए, इससे पहली वाली वीडियो में हमने दो टॉपिक पर डिस्कस किया है। क्या टॉपिक डिस्कस किए हैं हमने? एक तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के, कितने इंटरनल कितने एक्सटर्नल मार्क्स के लिए कितने सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, उसके रिगार्डिंग डिस्कस किया था। और इसके अलावा हमने पैटर्न डिस्कस किया था कि एग्जाम पैटर्न क्या है ना। और आज की वीडियो का जो बेसिक है, जो सार है आज की वीडियो का, वो है सिलेबस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट, क्योंकि जब तक आप किसी सब्जेक्ट का सिलेबस स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि बेसिकली आपको इस चैप्टर को किस तरीके से फील करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लगभग सभी ब्रांचेस के अंदर आता है, उसमें कौन कौन से चैप्टर इस बार यूपीबीटीई ने डाले हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे किसी और स्टेट के हैं, क्योंकि देखिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और YouTube के माध्यम से हम आपके साथ जुड़ते हैं, तो पूरे इंडिया के बच्चों का प्यार मुझे चाहिए। मैं आप लोगों के साथ ये वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन, जिस भी आप स्टेट के हैं, वहां का जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम होगा आपका बोर्ड पैटर्न का, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी मैं आपसे अभी ले लेता हूं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आप ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे किसी दूसरे स्टेट के हैं, तो उनके जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो यूपीबीटी के अंदर भी आएंगे, वो हम लोग यहां पर ही कवर करेंगे। और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, अगर किसी स्टेट के अंदर कोई अलग से टॉपिक या चैप्टर इंक्लूड किया गया है, तो वो हम अलग से जेई क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग से वीडियो बना के डालेंगे। तो सभी बच्चों का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, चाहे वो इंडिया के किसी भी जोन में पढ़ रहा हो। तो मेरे को आपसे एक बहुत रिक्वेस्ट है ये कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को, जितने भी आपके साथ दोस्त हैं, जो भी आपके स्कूल्स में पढ़ते हैं, आपके कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है, उनको बताइए कि अप्लाइड केमिस्ट्री की क्लास अब अंकित सर की स्टार्ट हो गई है और आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। चलिए तो फिर जल्दी से बढ़ते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के सिलेबस के साथ। देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री की, जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में जनरली कॉमन सब्जेक्ट है। तो अगर मैं चैप्टर की बात करूं, अगर मैं अध्याय की बात करूं, तो यहां पर 6 चैप्टर यहां पर डिस्कस किए गए हैं। यहां 6 चैप्टर मैंने बनाए गए हैं। देखिए मैं मार्क कर देता हूं फर्स्ट चैप्टर पे, एक एक करके बढ़ते हैं। हर चैप्टर का बेसिक मैं आज आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखिए ये पहला चैप्टर जो है, ये एक्चुअल में 3 चैप्टरों का कॉम्बिनेशन है। तो ध्यान दीजिए बच्चे कि पहले चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तो देखिए परमाणु संरचना, आवर्त सारणी तथा रासायनिक बंध, मैं बायलैंग्वेज यूज करता हूं आपके लिए, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, पैरिडिक प्रॉपर्टीज या पैरिडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। अगर मैं बात करूं इन चैप्टर की, तो मैंने अभी आपसे बताया कि ये जो चैप्टर है आपका, ये 3 चैप्टरों का कॉम्बिनेशन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, मतलब परमाणु क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ
जितने भी परमाणु जो मॉडल दिखाए गए, जैसे बोहर का मॉडल हो गया, जैसे रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, उसके बारे में आपको यहां पर डिस्कस करना है। इसके अलावा हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल, इसके अलावा परमाणु की ड्यूअल नेचर, कि उसकी देय प्रकृति कैसी होती है, इसके रिगार्डिंग इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। हम अगर बात करें परमाणु की, तो परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये सारे डिस्कशन, जितना भी परमाणु से, एटम से रिलेटेड जो मैटर है, ठीक है, उस सारे को हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है और इससे न्यूमेरिकल भी आ जाता है, बच्चे ध्यान दीजिएगा। फिर एक चैप्टर है पैरिडिक प्रॉपर्टीज या पैरिडिक टेबल। अगर मैं पैरिडिक टेबल की बात करूं, अगर मैं आवर्त सारणी की बात करूं, तो यहां पर आपको पढ़ने हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। और एफ ब्लॉक की भी दोनों सीरीज, एक्टिलाइट सीरीज और लेंथेलाइट सीरीज, दोनों सीरीज आपको यहां पर डिस्कस करनी है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे यहां पर पैरिडिक प्रॉपर्टीज के केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, के मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किसको धातु बोलते हैं, किसको अधातु बोलते हैं, और इनकी रासायनिक गुण भी पढ़ने हैं हमें। ये सारा हमारे सिलेबस का पार्ट है, उसको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। इसमें अगर और बात करें तो फिर एक और टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वैसे तो बेसिकली, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़े ब्रॉड, ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एक तरीके से आप ऐसे मानिए। रासायनिक बंध केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए रासायनिक बंध की अगर मैं बात करूं, तो रासायनिक बंध, अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करता हूं आपके साथ, तो यहां पर हमने एक तो सभी तरीके के बंध पढ़ने हैं, कि आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, इसके साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसको बोलते हैं, है ना, और इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे आप मॉल कॉन्सेप्ट कंसीडर करते हैं, वो यहां पर जरूर पढ़ना है। वेस्पर थ्योरी पढ़नी है, और इसके साथ साथ जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं, अगर हम बात करें कि H2SO4 की बात कर लेते हैं बेसिकली, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर कितना होता है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है, ये हमें इस चैप्टर में ही सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें दो टॉपिक और आते हैं, एक का नाम है पाई, कि कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसका संकरण कितना होगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसका शेप या आकार किस तरीके का होगा किसी भी स्ट्रक्चर का, इसके बारे में हमें यहां पर इस वाले चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये जो अगर हम बात करें पहले चैप्टर की, अगर मैं बात करूं पहले चैप्टर की, तो इसमें बहुत ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे देके जाऊंगा, लेकिन एक तरीके से आप ऐसे मान लीजिए कि ये पूरी की पूरी जनरल केमिस्ट्री है, इसका बहुत बड़ा विस्तार से हम डिस्कस करेंगे, और इसका कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं, सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें, तो सेकंड चैप्टर है ईंधन, जी सेकंड चैप्टर की बात करें, सेकंड चैप्टर है ईंधन एवं स्नेहक, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स। यहां पर हम फ्यूल के बारे में बात करेंगे, ईंधन के बारे में बात करेंगे, हम यहां सीएनजी पढ़ेंगे, हम एलपीजी पढ़ेंगे, इसके अलावा हम ईंधन से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे ये पोल्यूशन क्रिएट कर देता है, कैसे ये लाइफ को क्रिएशन में हेल्प करता है, उसके रिगार्डिंग हम यहां पर सारी बातें डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां पर सीएनजी से, एलपीजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, और बहुत आसान ये चैप्टर है, और इस बात को आपको ध्यान देना है कि इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। और देखिए इन सबके वेटेज भी बताऊंगा मैं आपको भी, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अभी मैंने एक बात मिस करके चला हूं, मिस क्या किया है कि इस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, वही तो बेस है, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर को कितनी ज्यादा ध्यान लगा के पढ़ना है। तो वो सारे जब चैप्टर डिस्कस कर लूंगा उसके बाद फिर बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में उससे हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, थर्ड चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं, तो जल उपचार, वॉटर ट्रीटमेंट एक चैप्टर है। यहां पर हम जल के प्रकार पढ़ेंगे, कि कठोर जल किसको बोलते हैं, मृदुल जल किसको बोलते हैं, और अगर कोई कठोर जल है तो उसको हम कैसे मृदुल जल में कन्वर्ट कर लेंगे, और मृदुल जल की अगर हम बात करें तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो कठोर जल है उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इसके रिगार्डिंग हमें यहां पर डिस्कस करना है। इसके अलावा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट,
जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है कि कोई गंदा पानी है उसको आपको पीने लायक बनाना है तो उसको मशीनों से किस तरीके से आप साफ करेंगे, कौन कौन से प्रोसीजर हैं, इसके रिगार्डिंग हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसके अलावा रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड, जिसे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं, उसके रिगार्डिंग हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और बीओडी तो बेटा पूछता ही पूछता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड याद कीजिए, आप लोगों ने पढ़ा है 9th-10th में भी कि किसी पानी को प्योरीफाई करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो थर्ड चैप्टर यहां अगर हम बात करें तो वाटर ट्रीटमेंट जो भी इसके स्रोत हैं वो सारे के सारे हमें यहां पर डिस्कस करने पड़ेंगे। इसके अलावा फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं तो फोर्थ चैप्टर है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन। यहां पर आप विद्युत ऋणात्मक श्रेणी पढ़ेंगे, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना है हमें। और इसके अलावा हम यहां पर नर्स्ट इक्वेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट है बोलो टेक्निक में, 3 नंबर में पूछ लेता है और कभी कभी तो 5 नंबर प्रॉब्लम भी आती है कि नर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करके दिखाइए, तो वो हम यहां पर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। विद्युत रसायन की बात कर रहे हैं उसमें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद एक टॉपिक आता है, एक नया चैप्टर आता है, चैप्टर का नाम है कार्बनिक कंपाउंड, है ना, कार्बनिक यौगिक। देखिए फिर ये वाला चैप्टर पॉलिटेक्निक में दोबारा से 3 चैप्टरों को मिलाकर एक चैप्टर बना दिया गया है। देखिए क्या है इसका नाम, कार्बनिक यौगिक, बहुलक एवं प्लास्टिक। कार्बनिक यौगिक की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनके नाम तो सब नहीं सुने, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनके यौगिकों के बारे में यहां पे डिस्कस करना है और यौगिकों के बारे में डिस्कशन करने के रिगार्डिंग आप ऐसे मानिए कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है IUPAC से रिगार्डिंग। IUPAC एक ऐसी केमिकल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम किसी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो आपसे 1 नंबर में बहुत बार सवाल पूछता है कि कोई स्ट्रक्चर दे देगा, आपसे पूछेगा उसका IUPAC नाम बताओ। 2 नंबर में कई बार ऐसे पूछ लेता है, कोई IUPAC आपको लिख के दे देगा, आपसे पूछेगा उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां ऑर्गेनिक यौगिक पढ़ने हैं आपको और इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के शेप, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड, सारी बातें हम यहां पर डिस्कस करेंगे इनके साथ भी। ये आपको इंपॉर्टेंट है। और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सिलेबस में है जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, वो सारे डिस्कस करेंगे हम इसके साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पॉलीमर्स, पॉलीमर एक ऐसे कंपाउंड जो आपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से मिलकर एक बहुत बड़ा वास्ट स्ट्रक्चर बना लिया है, उसके रिगार्डिंग जो पॉलीमर्स हैं, जैसे नायलॉन की बात कीजिए, है ना, नायलॉन का कपड़ा यूज करते हैं आप, है ना, रेनॉन की बात कीजिए, फाइबर्स की बात कीजिए, प्लास्टिक्स की बात कीजिए, ये सब पॉलीमर में आते हैं। तो ये हमें यहां पर पढ़ना है पॉलीमर और प्लास्टिक। यहां पर प्लास्टिक के टाइप्स पढ़ने हैं कि प्लास्टिक को किस तरीके से आपने डिफाइन किया है, थर्मोप्लास्टिक, है ना, कि जो ज्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव करता है, जो कम टेम्परेचर पर सर्वाइव करता है, तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के रिगार्डिंग भी आपको यहां पर डिस्कस करना है। ये भी एक अच्छा और लेंथी टॉपिक्स है, थोड़ा सा टाइम ले जाएगा, 4-5-7 लेक्चर ले जाएगा, लेकिन बात इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड केमिस्ट्री की जान है अपने आप में ये भी, ठीक है। और इसके बाद एक चैप्टर आता है संरक्षण एवं उसका नियंत्रण, कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल, के कोरोजन कैसे हो गया, जंग कैसे लग गया, किसी मेटल के ऊपर जंग कैसे लग जाता है, जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है ना, एल्यूमिनियम के ऊपर व्हाइट कलर की डॉटेड आ जाती हैं, ये क्यों आते हैं, इसका रीजन क्या है, इसके रिगार्डिंग हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और इसको कैसे नियंत्रण करेंगे, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, जैसे लोहे के लिए तो आपने पढ़ा है कि पेंट कर दो, है ना, उसको पानी से बचाओ, है ना, तो वो सारे के सारे मेथड भी आपको यहां पर डिस्कस करने हैं। तो देखिए अप्लाइड केमिस्ट्री के चैप्टर के रिगार्डिंग मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है कि UPBTE ने 6 चैप्टर में आपका पूरा अप्लाइड केमिस्ट्री का सिलेबस डिफाइन किया है, जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए नीडेड है। अब बात करते हैं वेटेज की। देखिए वेटेज पे जाना है
कि किस चैप्टर से कितना आता है इसके रिगार्डिंग। लेकिन इससे जाने से पहले मैं आपके साथ अपनी थोड़ा सा शेयरिंग और करना चाहूंगा किसी बात की। बेसिकली अगर हम बात करें तो आप एक बात सोचिए कि अगर हम बात करें कि हमें वेटेज पे बात करनी है कि किस चैप्टर से कितना कोर्स आता है तो उसके रिगार्डिंग हम बढ़ते हैं। तो पहले चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो परमाणु संरचना, आवर्त सारणी और रासायनिक बंध, जो कि केमिकल बॉन्डिंग आपने यहां पर कंसिडर किया है। मैंने पहले ही बताया था अभी वीडियो में आपको कि ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन पूरे केमिस्ट्री की जान है ये। एक तरीके से पूरी जनरल केमिस्ट्री, जो भी आप 9th और 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, उसका थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम यहां पर आ जाएगा चैप्टर में। और ये आपको मार्क्स देगा लगभग 16 to 20। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, 50 नंबर का अगर आपका पेपर है तो वहां 16 से लेके 20 के बीच में आपको ये वेटेज देगा। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। इसके अलावा सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें, ईंधन एवं स्नेहक, फ्यूल एंड लुब्रिकेट्स, तो फ्यूल और लुब्रिकेट्स वाला जो चैप्टर है ये भी आपको 6 से 10 नंबर लगभग दे देगा, 6 to 10 मार्क्स। देखिए मैं अप्रोप्रिएटली बोल रहा हूं क्योंकि कई बार एक दो नंबर किसी चैप्टर से कम हो जाते हैं, किसी नंबर से ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं जल उपचार, वाटर ट्रीटमेंट। जी, वाटर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वाटर ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो देखिए वाटर ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग ये एक छोटा सा चैप्टर है बहुत, है ना, लेकिन ये भी आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है। और अगर हम इसके रिगार्डिंग बात करें तो ये भी आपको 5 से 10 नंबर का सिलेबस आपका कवर करता है ना। तो वाटर ट्रीटमेंट की बात करें तो 5 to 10। देखिए जो मेरा अप्रोप्रिएशन है ना, ये लास्ट 3-4 सालों में जो यूपी बीटी ने एग्जाम पेपर बनाया है उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करके मैंने आपसे यहां पे डिस्कस किया है। इसके बाद एक चैप्टर आता है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको बोलते हैं 10 से 14 नंबर की इसकी वैटेज रहेगी लगभग, है ना। तो मैं लिख देता हूं यहां पर 9 to 15, है ना, 9 to 15 लिख देता हूं लगभग। कभी अगर नर्सरी इक्वेशन पे क्वेश्चन आ गया तो 5 नंबर का आ जाएगा, तो वेटेज बढ़ जाएगी, है ना। और एक ईएमएफ निकालने के लिए पूछ लेता है इससे, है ना, न्यूमेरिकल आता है इस वाले चैप्टर से, और ये समझने वाला चैप्टर है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ये थोड़ा सा चैप्टर इन सारे चैप्टर के रेस्पेक्ट में। आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, पॉलीमर एंड प्लास्टिक, ठीक है, ये चैप्टर 10 to 15 मार्क्स का है, 10 to 15 मार्क्स का है, है ना। ये आपको एक, ये भी लेंथी चैप्टर है और इससे भी आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो देखिए दो चैप्टर, एक तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5, ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, ये लगभग 50% को कवर करते हैं, 50% से भी ज्यादा को कवर कर जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके अलावा एक चैप्टर और है, ये लास्ट वाला चैप्टर जो बचा है आपके लिए, संरक्षण एवं उसका नियंत्रण, कोरोजन वाला, तो लगभग 5 to 7 मार्क्स की इससे भी आपसे पूछ लेता है। तो इसके रिगार्डिंग भी मैं लिख देता हूं 4 to 8 मार्क्स, है ना, एवरेज मैंने 4 to 8 कंसिडर्ड कर लिया है। तो लगभग ये जो अप्रोप्रिएशन आया है ये 50 से 70-75 के बीच का है, कि कभी किसी क्वेश्चन में ऊपर नीचे कर जाता है, तो उसके रिगार्डिंग मैं यहां पर डिस्कस कर रहा था। कि यहां पर मैंने, आप ऐसे मत समझिए कि ये पूरा का पूरा 80 नंबर का पेपर आएगा आपका, 50 का ही आना है। मैंने यहां पर इसलिए वेटेज किया है कि कई बार मैंने क्वेश्चंस को ऊपर नीचे कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने यहां पर आपसे डिस्कशन किया है। जी, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे आपके पास 5 मार्क्स प्रॉब्लम आएगी, 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से 2 करने आपको, तो मैंने उनको दोनों को कंसिडर किया है, है ना। तो मेरे तो वो 10 की जगह 15 क्या हो गया, जबकि आपको 2 ही अटेम्प्ट करने थे, तो आपके लिए 10 मार्क्स का है। इसके हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के रिगार्डिंग मैंने यहां पे बात की है, ठीक है। तो आज की क्लास की अगर हम बात करें तो आज की क्लास में हमने, आज की इस वीडियो में हमने अप्लाइड केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में स्टडी किया है कि हमें इसको किस किस तरीके से कवर करना है। इसके अलावा आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि, एक तो पहली बात ये कि आपको सारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हमारे जेई क्लासेस मेरठ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि सभी तरीके के इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो मैकेनिकल के हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हैं, चाहे वो सिविल के हैं, इन ऑल दैट जितनी भी ब्रांचेज हैं,
जो कि इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक से बिलोंग करती हैं, उसमें अप्लाइड केमिस्ट्री जो चैप्टर है, जो थ्योरी का व्यूज हैं, जो न्यूमेरिकल व्यूज हैं, उन सबको हमें यहां पर डिस्कस कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अंकित भारद्वाज सर आपके साथ जुड़ूंगा एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक के साथ। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि टाइमली मेरी क्लास को ज्वाइन करना है और जितने भी थाउजेंड ऑफ डाउट आए, कितने भी कुछ भी आए, वो सारे मेरे के साथ आपको मेरे लाइव सेशन में जुड़ने के साथ साथ वहां पर डिस्कस करने हैं, ताकि आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज्यादा मार्क्स आ सकें। तो ध्यान दीजिएगा, सारे चैप्टर को कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, पूरी टीम हमारी इसी काम में लगी हुई है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सभी चैप्टर्स की, सभी सब्जेक्ट्स के, सभी चैप्टर, सभी टॉपिक्स के लिए जो एक्सपर्ट टीम है हमारी जेई क्लासेस की, वो आपके घर पहुंच गई है, आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे पहुंच गई है फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ क्या करना है, YouTube पे जाकर जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो हमारे लिंक्स पहुंचते रहते हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सिर्फ दो काम करने हैं। पहला काम यह करना है कि हमारे जेई क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है, और ताकि आपको जितना भी जो नई वीडियोस डल रही हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। इसके अलावा दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है, यह मैंने यहां लिखा है टीसी। टीसी मतलब टेलीग्राम चैनल, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है जिसका नाम है जैक JEC पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। आपको इस जी आपको GEC पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस नाम का जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन करना है, ताकि आपको सिलेबस से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन, जो टॉपिक हम यहां पर पढ़ा रहे हैं उसके फ्री ऑफ कॉस्ट, आई अगेन से उसके फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स और जितने भी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं बोर्ड पैटर्न के रिगार्डिंग, वो सारे क्वेश्चंस का बल्क आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मोबाइल पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए दो काम मैंने आपको बताए हैं, एक तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर आउट करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन हो सके हमारे साथ इस चैनल के साथ। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज आनी शुरू हो जाएंगी, ज्यादा क्वेरीज आएंगी तो सभी बच्चों के अगर डाउट आते हैं तो उन डाउट को सॉल्व करने के लिए लाइव सेशन में सभी बच्चे स्टार्ट करेंगे जब पोर्टल को तो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अप्लाइड केमिस्ट्री के सिलेबस के रिगार्डिंग मैंने बात की थी यहां पर। आज की क्लास के लिए इतना ही, अब टॉपिक वाइज टॉपिक एक एक टॉपिक को हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।